नमस्कार। जब अपन घड़ी देखते हैं तब 10:30 हुए होते हैं घड़ी में, तो अपन 10:30 कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। जब 11:30 होती है तो अपन 11:30 कहते हैं। लेकिन एक चीज आपने कभी नोट की है, जब 1:30 हो तब उसको 1:30 क्यों कहते हैं, 1:30 क्यों नहीं कहते हैं? जब घड़ी में 2:30 हुई होती है तो अपन 2:30 क्यों कहते हैं, 2:30 क्यों नहीं कहते हैं? क्या आपने कभी इसके ऊपर गौर किया? जब 10:30 को तो आप 10:30 कह रहे हो, 11:30 को आप 11:30 कह रहे हो, लेकिन कभी आपने ये नोट किया है 1:30 होते हैं उसको 1:30 क्यों नहीं बोलते हैं, उसको 1:30 क्यों बोलते हैं? 2:30 को 2:30 क्यों बोलते हैं, 2:30 क्यों नहीं बोलते? इसका क्या रीजन है? देखिए, पहले पुराने समय में लोगों को फ्रैक्शन के भी पहाड़े पढ़ाए जाते थे, इसीलिए भारत में वजन और समय को फ्रैक्शन से भी नापा जाता है। अभी अभी वर्तमान टाइम में क्या है, वर्तमान आज के टाइम में आपको देखिए 2, 3, 4, 5 के ही पहाड़े पढ़ाए जाते हैं, यानी इनके ही टेबल पढ़ाए जाते हैं। लेकिन पुराने समय में, पुराने जमाने में चौथाई, सवा, पौने और 1.5 और 2.5 के भी पहाड़े पढ़ाए जाते थे। आप यहाँ नोट करने वाली बात है, पुराने समय में ये जो 1.5, 1.5 इसके पहाड़े पढ़ाए जाते थे, इसको फ्रैक्शन भी कहा जाता है। और अभी वर्तमान में सिर्फ क्या है, 2, 3, 4, 5 के ही पहाड़े, यानी यही टेबल पढ़ाई जाती है बच्चों को, ये तो पढ़ाई नहीं जाता है। जो ये 2:30 अपन कहते हैं, 1:30 कहते हैं, ये पुराने जमानों के लोगों के कहे हुए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस जमाने में उनको ये पढ़ाए जाते थे फ्रैक्शन के पहाड़े। ये सभी भारत के मूल गणित के शब्द हैं, ये जो 2:30 है, 1.5 है, 1/4 है, 1/4, ये सभी भारत के मूल गणित के शब्द हैं। यह फ्रैक्शन में चीजों को और वजन में भी, हम अब ये फ्रैक्शन में चीजों को बताते हैं, आप समय देखोगे तो भी 1/4, 1/4, 1.5, 1.5 बताएंगे। और यही चीज वजन, जब वजन में नापते हैं तभी कहते हैं 1/2 किलो, 1.5 किलो, 1.5 किलो, जैसे अपन कहते हैं 1.5 किलो, 1.5 किलो, 1/2 किलो। जैसे 1/4 के लिए अपन बोलते हैं पाव, 3/4 के लिए बोलते हैं अपन पौन, 4/3 के लिए बोलते हैं 1/2 किलो। ये सारे सब पुराने जमाने में जो लोगों को पहाड़े पढ़ाए जाते हैं उसके रूप में अभी वर्तमान में ये चल रहे हैं। लेकिन अभी वर्तमान के रूप में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये पढ़ाया नहीं जाता है। अभी जो बच्चों को सिर्फ 2, 3, 4, 5, 6 इनके टेबल पढ़ाए जाते हैं, ये पुराने जमाने के जो टेबल हैं 1/4, 1/4, 1.5, 1.5 और 2:5, ये तो अभी पढ़ाए नहीं जाते हैं। दूसरा एक कारण और ये भी रहा है ये बोलने का, समय की बचत। अब आप कहोगे सर समय की बचत कैसे? देखिए, अगर आप 1:30 बोलोगे, इससे बेहतर कहने से ज्यादा बेहतर है, आसान है 1:30। आप कहोगे 1:30, 1:30 से ज्यादा आसान है 1:30 कहना। अब 4:15 अगर आप बोलोगे घड़ी में कितना टाइम हुआ सर, 4:15, अगर आप इसको इतना लंबा बोलोगे, इससे अच्छा शोर बोल सकते हो 4:15 है। और ये भी है, 4:15 बाकी है, अगर आप बोलोगे कि कितनी बजी है, तो आप बोलोगे सर 4:15 बाकी है, तो आप ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हो कि 4:15 है। ये देखिए, 4:15 कहना ज़्यादा आसान है। एक तो इसका जो ये जो वर्ड निकल के आए हैं 2:30, 2.5 और 1.5, ये सब पुराने जमाने से निकल के आए हैं। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।